मत रहिए उदास क्योंकि अब आगे सियास इंग्लिश स्पीक टॉलीगर और आपका स्वागत स्वैक्स करते हैं। चलिए आज देखेंगे एडियम्स एंड फ्रेजेस में ऐसे वर्ड्स को जिसका स्टार्टिंग होगा आपका जी से। जी तो आपका पहला वर्ड है यू एंड क्राई। यू एंड क्राई मीन्स क्या होता है? हल्ला गुल्ला। तो याद रहे यू एंड क्राई मीन्स क्या होता है? हल्ला गुल्ला। तो आपका नेक्स्ट क्या जी? हर्ट एंड सोल। हाँ कभी भी आपका ऐसा लिखा होगा हर्ट एंड सोल, उसका मीनिंग क्या होता है? मन से, है ना, तहे दिल से, ठीक है। अब आपका अगला वर्ड है हेल एंड हर्टी। हाँ हेल एंड हर्टी मीन्स क्या होता है? भला चंगा। हाँ भला चंगा कोई आदमी को क्या बोलेंगे? हेल एंड हर्टी। अब आपका नेक्स्ट वर्ड है देखेंगे हरक्यूलियन टास्क। हाँ हरक्यूलियन टास्क मीन्स क्या होता है? कठिन काम, कठिन कार्य, ठीक है। सो क्या बोलेंगे? हरक्यूलियन टास्क। अब अगला क्या है देखा जाए, टू हैव क्लीन हैंड इन। हाँ कहीं भी लिखा होगा आप ऐसा टू हैव क्लीन हैंड इन, उसका मीनिंग क्या होता है? निर्दोष, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट वर्ड है सिक्स में देखा जाए हॉर्स सेंस। हॉर्स सेंस इसका मीनिंग क्या होता है? सहज बुद्धि, है ना, सहज बुद्धि वाला, ठीक है। अब अगला वर्ड है हैव वन फिंगर इन द पाई। मीन्स क्या होता है? किसी मामले में रुचि होना, आपको कोई चीज में रुचि है, ठीक है। तो उसको एडियम सुनना के क्या बोलेंगे जी? तो कैसे बोलेंगे? हैव वन फिंगर इन द पाई। अब आपका नेक्स्ट वर्ड है देखा जाए हैव द लास्ट लाफ। हाँ ऐसा कहीं भी आपका लिखा रहेगा, क्या लिखा हुआ जी? लिखा जाए हैव द लास्ट लाफ, इसका मीनिंग क्या होता है? शुरुआती हार के बाद अंत में जीत, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे अगला है हेल्टर स्केल्टर। हाँ हेल्टर स्केल्टर, इसका मीनिंग क्या होता है? घबराहट में, है ना, घबराहट में। अब आपका नेक्स्ट वर्ड है हॉब्सन्स चॉइस। हाँ हॉब्सन्स चॉइस मीन्स क्या होता है? एकमात्र विकल्प, ठीक है।